ये होने वाला है अपना चंद्रयान 3 का दुर्गा जी का पंडाल। हाँ जी गाइस, वेरी गुड इवनिंग, कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। भिलाई में घूमते घूमते मैं पहुंचू भिलाई के सेक्टर 1 में, और सबसे पहले आप लोगों को समय बताना चाहूँगा। अभी का जो करंट समय है ना भाई साहब, रात को 11 बजने वाले हैं, और मैं एक एक जो पंडाल बनाया गया यूनिक उसको कवर कर रहा हूँ, और इसी सिलसिले में मैं पहुंचू भिलाई के सेक्टर 1 में। और इस बार यहाँ बनाया गया चंद्रयान 3 का गणेश पंडाल, नहीं गणेश पंडाल तो रायपुर में बना था, यहाँ दुर्गा पंडाल बनाया, राइट। तो वो सभी चीज़ आप लोग को इस ब्लॉग में दिखाऊँगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं एंट्री गेट दिखा दूँ, तो कुछ ऐसा आप लोगों को नज़र आएगा भिलाई सेक्टर 1 का दुर्गा जी का पंडाल का एंट्री गेट। चारों तरफ लोगों को माहौल दिखाऊं तो पूरा भाई साहब मेले वाला माहौल है, बहुत सारे खाने पीने का स्टॉल मिल जाएगा। और एक बात मैंने नोटिस किया, जैसे ही आप लोग यहाँ बाइक लेकर आओगे ना यार, पार्किंग के लिए ना दिमाग ख़राब कर देते हैं, तुरंत पार्किंग का पैसा दो और पर्ची लो, नहीं तो फिर ये नहीं तो वो। भिलाई में हर जगह नोटिस कर रहा हूँ, कहीं भी आप जाओ भिलाई किसी भी सेक्टर में, भाई टिकट आपको लेना ही पड़ता है पार्किंग का, पता नहीं क्यों। रात को हम लोग 11 बजे आए हैं, जैसे गाड़ी लगाए नहीं, पार्किंग वाला बंदा पहुंच गया, बोलता है पैसा दो पार्किंग तो करना पड़ेगा। अरे यार सोचने तो दो, कहाँ घूमना है, नहीं घूमना है, घूमना है कि नहीं घूमना है। बट हाँ, भिलाई में चल रहा है तो सोचा कि आप उसे अपडेट कर दूँ। बहरहाल आप लोग देखिए मेले का पूरा व्यू भिलाई का सेक्टर 1 का, तो बड़े बड़े स्काई झूला भी आया है, और यहाँ आप लोग को दिखा दूँ ड्रैगन जो झूला होता है वो भी लाइव चलाया जा रहा है, तो बढ़िया है माहौल पूरा आप लोग को चारों तरफ देखने को मिलेगा। इधर ब्रेक डांस झूला भी पहुंचा है, और ये तो स्काई झूला आप लोग को दिखाया था, बाकी ये वाला झूला देखो ये कुछ नया टाइप का झूला आया है। अब इसका नाम कुछ अजीब सा नाम है, ये हो गया अपना रेंजर झूला जो कि 360 डिग्री में घूमता है। तो झूले में तो कमी नहीं है भाई साहब, चारों तरफ आप लोगों को झूला एक से एक यहाँ नज़र आने वाला है। और अपने को भूख भी लगी है ज़ोर से, और अपन निकलेंगे सीधा रायपुर। रायपुर जाने से पहले और भी एक आध दो और पंडाल बनाए गए दुर्गा जी के, काफ़ी बढ़िया बढ़िया भिलाई में, वो सही वीडियो भी रात को शूट करके ही मैं जाऊँगा, बिकॉज आज मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ही बार आया हूँ तो पूरा वीडियो शूट करके और निकल ले घर, बार बार आने वाला कंझट नहीं होगा। बाय द वे ये साइड आप लोग को पूरा दिखाऊं तो पूरा तैयारी चल रहा है स्टॉल का, इधर शॉपिंग का पूरा सेंटर है, गर्ल्स के लिए जेंट्स के लिए ज्वेलरी का पूरा लाइन से आप लोगों को शॉप देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से आप लोग देखो ये होने वाला है अपना चंद्रयान 3 का दुर्गा जी का पंडाल। जितना हाइट रायपुर में था उतना हाइट तो इसका नहीं है, लेकिन हाँ उसी के तौर पे है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, हाइट थोड़ा सा आप लोग कम नज़र आएगा लेकिन चौड़ाई कुछ ज़्यादा बनाया गया है, ठीक ठाक देखने में लग रहा है पूरा। आप लोग को यहाँ भी फील आ जाएगा कि आप चंद्रयान 3 का दुर्गा पंडाल देख रहे हो, और रायपुर की तो भाई साहब बात ही अलग थी, वहाँ तो बहुत हाइट बनाया गया था। यहाँ का भी आप लोग देख के कॉमेंट करना कैसा लगा फाइनली आप लोग को यहाँ का दुर्गा जी का पंडाल। बाकी चलो अब एंट्री करते हैं और अंदर से पूरा व्यू दिखाते हैं कैसा है अंदर का पूरा व्यू। तो ये है भाई साहब एंट्री गेट यहीं चंद्रयान 3 दुर्गा जी के पंडाल का, और अंदर भाई साहब पूरा का पूरा जो गान बजान है ना वो बजाया जा रहा है, तो मैं माइक को सामने लेके बोलूँगा ताकि मेरी वॉइस आप लोगों को ज़्यादा सुनाई दे। पंडाल तो ऐसे अच्छा बनाया गया, ये भिलाई के सेक्टर आई थिंक 2 में इस टाइप का पंडाल बनाया गया था, कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता ये दुर्गा पंडाल भी है। और यहाँ भाई साहब इसरो में जो भी साइंटिस्ट कार्यरत हैं उन सभी का पोस्टर लगाया गया है, तो ये देखकर काफ़ी बढ़िया लगा। और इधर आप लोग सोमनाथ सर का भी पोस्टर देख सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। यहाँ अपना APJ अब्दुल कलाम सर का भी पोस्टर लगा है, जो भी यहाँ घूमने आते हैं पंडाल देखने आते हैं उनको अलग अलग फील्ड के बारे में जानकारी मिलेगी। बाकी अब आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ दुर्गा माता जी का, तो ये देखो कितना सुंदर कितना बड़ा सा यहाँ माता जी को विराजमान किया गया है। तो कुल मिला के यही है भिलाई सेक्टर 1 के दुर्गा पंडाल में, एंड इधर से आप लोग एग्जिट भी कर लोगे। तो ब्लॉग में यार काफ़ी शॉर्ट में रख रहा हूँ, ये मत बोलना कि भैया आप उतना डिटेल में नहीं दिखा रहे, म्यूजिक के साथ नहीं दिखा रहे हो, थोड़ा सिनेमैटिक्स तौर से नहीं दिखा रहे, बिकॉज समय बहुत कम है, समय है ही नहीं। ये तो अपन जबरदस्ती का ब्लॉग शूट कर रहे हैं ताकि भिलाई एक ही बार पहुँचे हैं, तो आप लोग को हर एक चीज़ दिखाते हुए चले। तो चलो फाइनली अपन एग्जिट कर चुके हैं, अब निकलते हैं फटाफट घर के लिए। तो इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं, लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइज़।